कहीं जा रही है वो? तो वो हमारे साथ जाएगी ना, यहाँ अकेली थोड़ी रहेगी। मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकता। कैसी बातें कर रहे हैं फारूक, वो यहाँ अकेले कैसे रहेगी घर में? बहुत बोल्ड, बहुत बहादुर है वो, अकेली रह सकती है। फारूक प्लीज, मैं ऐसी बागी लड़की को अपने घर में रख कर अपने घर का माहौल नहीं खराब कर सकता। फारूक जैसा आप उसे समझ रहे हैं ना, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ देखने जानने के बावजूद तुम ये बात कर रही हो, हैरत। उसकी जिद की वजह से उसकी बारात वापस चली गई, उसका बाप मर गया। कुछ तो ख्याल करें, वो अभी भी दुखी है। आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अदनान, तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तुम चुप रहो। हाँ, लेकिन गलत को गलत तो कह सकता हूँ ना, इतना शऊर है मुझे। अब तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत? फारूक, फारूक प्लीज रिलैक्स। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह पाक की रजा थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। जहां तक बात है नुकसान की, तो सबसे ज्यादा उस बच्ची का नुकसान हुआ है। बारात उसकी वापस चली गई, बाप का साया उसके सर से उठ गया। इस सारे नुकसान की जिम्मेदार वो खुद है। अच्छा ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा के लिए वो हमारे साथ रहे, लेकिन कुछ दिनों के लिए तो हम उसका सहारा बन सकते हैं ना। फिर मैं कोई ना कोई इंतजाम करके उसको सेटल कर दूंगी, प्रॉमिस। एक दिन के लिए भी नहीं। अगर तुम अपना फैसला बदल लो तो हमदान के साथ घर चली आना, वरना फिर यहीं रहो उसके साथ। फारूक मेरी बात तो, आप हिम्मत रखें, पापा को समझाता हूँ, कल फिर आऊंगा।